हाय एवरीवन, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आई एम श्योर आप में से 90% लोगों ने सुना होगा कि रात को कार्ब्स एकदम नहीं लेना। किसी नए जाते जिम के लौंडे से सुना होगा या फिर कोई जिम के बड़े ज्ञानी ट्रेनर से सुना होगा। रात को कार्ब्स हाथ भी नहीं लगाना, देखना भी नहीं, अगर सुनोगे भी तो आप मोटे हो जाओगे। आज भी मोस्ट ऑफ द जिम मैं जितने भी जिम में गया हूँ, 500 रुपये महीने से लेकर 3,500 रुपये महीने तक या फिर जितने भी आज तक मैं जिम में गया हूँ, मैं हमेशा ये बात सुना है कि कार्ब्स रात को एकदम नहीं खाना चाहिए या फिर आप अपने डाइट में कार्ब्स रखे ही नहीं। अगर आप कार्ब्स खाओगे तो एकदम मोटे हो जाओगे। ये सबसे बड़ा चुतियापा मैंने सुना है आज तक। और गाइस, फैट लॉस के साथ कार्बोहाइड्रेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप पतला होना चाहते हैं तो कैलोरी डेफिसिट में खाइए खाना, ठीक है, और एक्सरसाइज कीजिए। कार्बोहाइड्रेट से फैट लॉस का कोई संपर्क नहीं है। आई एम श्योर आपने ये वाला भी एडवाइस बहुत सुना होगा। मैंने तो बहुत सुना अपने लाइफ में कि आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी और हनी मिक्स करके पीजिए तो आपका जितना भी फैट है सब चले जाएगा कुछ ही दिनों में। तो गाइस, मैं बचपन से ही अच्छा खासा मोटा था और बहुत ही खाना पसंद करता था। तो मेरे को बहुत लोगों ने एडवाइस दिया था कि आप सुबह सुबह गर्म पानी पियो, अदरक वगैरह मिक्स करके या फिर हनी वगैरह मिक्स करके पियो तो आपका फैट सब चले जाएगा। गाइस, नींबू पानी, लेमन, ये सब पीना सुबह सुबह गर्म पानी के साथ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर ये सब पी रहे हो, सोच रहे हो कि आप डेफिसिट में नहीं खाओगे और आपका वेट लूज़ हो जाएगा, तो चुतियापे में ना विश्वास करें। और गाइस, ये वाला मेरा फेवरेट है, ये वाला तो सभी करते हैं। स्वेटर पहन के लौंडा लौंडिया ट्रेडमिल में भागे जा रहे हैं। ये मोटा मोटा स्वेटर, इतना मोटा मोटा स्वेटर पहन के लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं। पसीना निकालने से क्या होगा? पसीना निकालने से मतलब ज़्यादा पसीना, मतलब ज़्यादा फैट लॉस। तो इस हिसाब से तो मतलब अगर धूप के सामने आप बैठ जाओ, वहाँ पे पसीना निकलेगा, तो इसका मतलब फैट लॉस हो रहा है क्या? मतलब कुछ भी चुतिया पैसे बना देते हैं। रोज़ ट्रेनर आंटियों को बोल रहा है साइकिलिंग करो, ट्रेडमिल करो, हर दिन वेट चेक कर रहे हैं, वेट कितना कम हो रहा है ट्रेडमिल में भाग भाग के। गाइस, ट्रेडमिल करने से या फिर कार्डियो करने से आपका ज़्यादा फैट लॉस नहीं होता। वेट लिफ्टिंग करने से आपका ज़्यादा फैट लॉस होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, वो आफ्टर बर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा देता है। वेट लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा कि आप 100 किलो उठा के डेड लिफ्ट मारने लग जाओ, स्क्वाट मारने लग जाओ, मतलब आप जितना भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप एकदम वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर कुछ, तो कार्डियो कर सकते हैं। तो कार्डियो का इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आधा घंटे एक घंटे लगातार मोटा स्वेटर पहन के पसीना निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और कुछ लोग तो मतलब एकदम जिम में खिड़की वगैरह पंखा एकदम चारों तरफ सब कुछ बंद करके कार्डियो करे आ रहे हैं एकदम, ऐसे भाई मर जाओगे, ऐसा नहीं करना होता। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको डेफिसिट में खाना पड़ेगा भाई। गाइस, ये वाला भी आपने बहुत ही सुना होगा, देखा भी होगा, लोग जिम में साइड बेंडिंग ये सब करे आ रहे हैं। पहले जब मैं नया नया था जिम में तो मेरा ट्रेनर भी मेरे को बोलता था वर्कआउट के बाद कि वर्कआउट हो गया, अब दो चार सेट साइड बेंडिंग मार ले और ट्विस्टर मार ले। ट्विस्टर क्या होता है गाइस? वो पहले था नहीं, घूमते इधर उधर घूमते थे हम लोग, उसको ट्विस्टर बोलते हैं। तो वो कर ले, तो मैंने पूछा एक बार कि वो करने से क्या होगा, तो बोलता है कि जो लव हैंडल है साइड के नीचे जो चर्बी झूल रहा है वो सब चले जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं होता। आप अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह से आपका वेट लूज हो तो ऐसा नहीं होता। आप खाली एब्स मार के आपका एब्स बाहर नहीं आ जाएगा, आपका आप डेफिसिट में खाएंगे तो आपका पूरे ओवरऑल बॉडी से फैट लॉस होगा, कोई आप स्पेसिफिक जगह से आप फैट लॉस नहीं कर सकते। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस तरह की सबसे बड़ी चुतियोटिक बात। लोगों को लगता है कि फैट खाने से ही फैट हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब इसमें से भी थोड़े बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं भाई, फैट दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, और सैचुरेटेड फैट खराब होता है हमारे लिए, हमें अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। तो भाई एकदम गलत बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए, हमारे एंशियंट टाइम में दूध, दही, छाछ ये सब दवा के सब लोग खाते थे और इसी से सब लोग खाना बनाते थे। उस टाइम में कभी भी किसी को हार्ट डिजीज़ ये सब नहीं होता था।
अभी जो चुतिया पे देख रहे हो ना, जो हार्ट अटैक ये है वो है, वो सब अभी हो रहे हैं। तो ये दूध दही चीज़ वगैरह ये सब खाने से आपको कुछ नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कैलोरी डिफिसिट में खाना पड़ेगा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूध दही बटर वगैरह ये सब खाएंगे तो आप फैट हो जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली उसको आपको बैलेंस में खाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप खाली दूध दही लस्सी पिए जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। आपको पूरा ओवरऑल आपको मैक्रो बैलेंस करके खाना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे वो बोलेंगे नहीं भाई, दूध दही बटर घी खाने से तो हम मोटे होंगे, हमने तो यही सुना है, हम लोग तो यही बोलेंगे। तो जो मेरे को विश्वास नहीं करते भाई, मैं रिसर्च लिंक दे दूंगा, मेटा रिसर्च लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, आप मेरे को चाहे ना विश्वास करें। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आप सभी को शेयर कर सकूँ। जो जो गलतियाँ मैंने की थी मैं उनसे सीख कर आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। और वैसे भी हमारे फिटनेस कम्युनिटी में बहुत सारे लेजेंडरी लोग हैं जो एक दिन में 10 किलो कम करवा देते हैं, 5 किलो कम करवा देते हैं, मैगी खा के भी बॉडी बनवा देते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करो गाइस। और रिसेंटली मैंने एक रील अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरे लॉकडाउन से पहले का 30 kgs मैंने कैसे कम किया 8 महीने में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से और वीडियो लाऊं, इस वीडियो का भी सेकंड पार्ट लाऊं, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टाटा।